हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे जीके वर्ग पेरी टू, जो हमने आपको कल दी थी। जीके वर्ग पहली वन सिखाई थी और जीके पहली वर्ग पहली टू, जिसका आंसर शीट आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहा था। जो हम आपको सबसे पहले जीके वर्ग पहली टू के आंसर बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने आपके कल होमवर्क के लिए दी थी, जो आपको घर से बतानी थी कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों, जीके वर्ग पेरी टू बाएं से दाएं। दोस्तों पहला प्रश्न है मार्ग रास्ता टू नंबर, तो दो नंबर में क्या आएगा? मार्ग और रास्ते का कोई पर्यायवाची शब्द बताया दोस्तों। पथ क्या होगा इसका? पथ, पथ है ना, रास्ता, पथ, पथ है ना, रास्ता। नेक्स्ट है दोस्तों जगत, संसार और दो अक्षर में, तो इस संसार के विश्व होता है और दो अक्षर बताना है, तो जग, जग है ना संसार, जग है ना संसार, जग 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 है ना संसार होता है इस जग में। नेक्स्ट है दोस्तों जो सब कुछ जानता हो, तीन अक्षर बताना है, जो सब कुछ जानता हो तीन अक्षर में। दोस्तों इसके लिए एक ही शब्द बताना है, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले क्या बोलेंगे दोस्तों? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले क्या कहेंगे दोस्तों? सर्वज्ञ। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थाई भाव, श्रृंगार रस का स्थाई भाव टू अक्षर में, तो दोस्तों हिंदी में बहुत सारे नौ रस होते हैं और दसवां एक वात्सल्य रस होता है, और इसमें पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार का स्थाई भाव होता है रति, श्रृंगार का स्थाई भाव क्या होता है? रति, रति यानी प्रेम, रति, श्रृंगार का स्थाई भाव क्या होता है? रति, रति का अर्थ होता है प्रेम। पति पत्नी, नायक नायिका के बीच के प्रेम का जो वर्णन होता है उसको श्रृंगार रस कहते हैं। इसमें दो तरह के श्रृंगार रस होते हैं दोस्तों, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहां पे नायक और नायिका की अगर मिलन का वर्णन हो तो उसको संयोग श्रृंगार कहते हैं, और नायक नायिका के बिछुड़ने, बिछुड़ने का अगर वर्णन होता है जिस पद में तो उसको वियोग श्रृंगार कहते हैं। तो इस तरह श्रृंगार रस, यहाँ पे हम आगे आपको बताएंगे श्रृंगार रस के बारे में भी, लेकिन यहाँ पे आपको इसका स्थाई भाव क्या होता है? रति। नेक्स्ट है दोस्तों जय जवान जय किसान नारा है। दोस्तों एक नारा है जय जवान जय किसान, किसका नारा है? आपको छे और टू, छे अक्षर बताना है, तो दोस्तों छे अक्षर होता है लाल बहादुर शास्त्री, किसका नारा है दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, इधर सात वाला नंबर आ गया, लाल बहादुर शास्त्री अपन नीचे लिख सकते हैं, या सात नंबर यहां लिख देते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान नारा किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ओ पांच में गलत हो गया, ये पांच नंबर में बनना था, ठीक कोई बात नहीं। छह नंबर, छह नंबर पे भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर, पशुपतिनाथ का मंदिर दोस्तों तीन अक्षर बताना है। पशुपतिनाथ का मंदिर तो एक तो मंदसौर में भी है, और जो मंदसौर का जो इसमें अक्षर तीन अक्षर से ज्यादा अक्षर आ रहे हैं इसलिए मंदसौर में नहीं है, मंदसौर में है लेकिन ये तीन अक्षर बताना अपनों को, तो तीन अक्षर वाला दोस्तों नेपाल। भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पे? नेपाल में, तीन अक्षर में ही बताना आपको, तो नेपाल। अपन छह नंबर इसको कर देते हैं, एक मिस हो गया, तो यहां पे नेपाल, ठीक है। भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है? तीन अक्षर बताना आपको, नेपाल में है। नेक्स्ट है गाय, गाय का दो अक्षर बताना आपको, गाय को और क्या क्या बोलते हैं दोस्तों? धेनु, क्या बोलते हैं दोस्तों? धेनु, तो सात नंबर अपने लिख दिया धेनु, गाय को क्या बोलते हैं दोस्तों? धेनु, और गौ माता भी कहते हैं इसको,
लेकिन दो ऑप्शन बताना है तो देनु। नेक्स्ट है आठवां, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दोस्तों आपको ये वर्ग वेली, ये जीके वर्ग वेली, इसका नाम ही जीके वर्ग वेली, जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए वर्ग वेली है, एक सामान्य तौर की वर्ग वेली नहीं है, बहुत विशेष वर्ग वेली है, जीके वर्ग वेली। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष टू और थ्री, तो ओम बिरला, ओम बिरला वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों लोकसभा के, ओम बिरला, ओम बिरला, ओम बिरला लोकसभा वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। नेक्स्ट है दोस्तों, 2000 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र छपा हुआ है। दोस्तों इसमें 2000, 100 का नोट, 500 का नोट, 50 का नोट, ये सब नए नोट बने हैं और इन सब पे कुछ ना कुछ अलग अलग चित्र छपे हुए हैं। तो दोस्तों पांच एक्शन बताना है, यानी ये पांच एक्शन, एक तो हम्पी का चित्र है और बहुत सारे चित्र हैं, पांच एक्शन होगा दोस्तों मंगलयान। 2000 नोट के पीछे कौन सा चित्र है दोस्तों, मंगलयान, मंगलयान, 2000 नोट के पीछे कौन सा चित्र है दोस्तों, मंगलयान का चित्र है। नेक्स्ट है दोस्तों, चित्रकूट किस जिले में स्थित है, चित्रकूट किस जिले में स्थित है, तीन अक्षर बताना है, तो ये है दोस्तों सतना जिले में, कौन से जिले में दोस्तों, सतना, सतना, ये तीन अक्षर हो गया, तो चित्रकूट कौन से जिले में दोस्तों, सतना जिले में। तो दोस्तों ये तो थी अपनी कल की वर्ग वेली जिसके आंसर शीट, अब आपको एक वर्ग वेली और देने जा रहे हैं जिसका आंसर हम आपको कल बताएंगे, ठीक है, कल सुबह 7 बजे बताएंगे, ठीक, और जल्दी भी देख सकते हो 6 बजे 5 बजे जब भी वीडियो अपलोड हो जाए, 5 बजे का बाद आप देख सकते, 6 बजे के बाद आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये वर्क वेली, ये आपको इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, अगर आप जितने आंसर बता सकते हैं बहुत अच्छी बात है, एक आध तो बताना जरूर, जितना भी आप बता सको बहुत अच्छी बात है। देखिए नहीं तो हम कल आपको फिर इसका आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, 6 अक्षर बताना आपको, ठीक है। दूसरा है दीन दिवस, और 2 अक्षर में इसका पर्याय शब्द बताना है दीन का। नेक्स्ट है आईने अकबरी के लेखक कौन है, इसका 6 अक्षर बताना है आपको। नेक्स्ट है प्रेमचंद की एक रचना जिसका 3 अक्षर बताना है, और सीताफल एक फल है जिसका 3 अक्षर में एक और पर्याय शब्द बताना है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की एक रचना 4 अक्षर बताना आपको, और 7वां है विटामिन सी का स्रोत कौन सा है, 3 अक्षर बताना है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जिसका नाम 3 अक्षर बताना आपको, सर्दियों में बहुत से लोग खाते हैं तो कौन सी मिठाई ऐसी है जो 3 अक्षर में बताइए। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में फरवरी में 29 दिन होते हैं तो ये वर्ष क्या कहलाता है, 2 और 2, 4 अक्षर में आपको इसको बताना है। अभी 2020 का साल चल रहा है और इस फरवरी 29 दिन होंगे, कितने दिन होंगे दोस्तों, 29, बाकी दिनों में 28 दिन होते हैं, तो ये 2020 का जो वर्ष, किस इस वर्ष को क्या कहते हैं अपन, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन है, ये बहुत खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेटीएम के संस्थापक कौन है, 3 3 2 है ना, 8 अक्षर में इसको बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, आप इसके आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं, और आप नहीं भी याद है तो हम कल आपको 7 बजे इसका आंसर बता देंगे, नेक्स्ट दिन बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, इस तरह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वर्क वेली भरिए दोस्तों, अधिक से अधिक भरिए और सब्सक्राइब सबसे पहले करिए। थैंक यू।